भारत को होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड के हाथों पहली मर्तबा व्हाइट वॉश की सुबकी। कीवीज ने तीसरा टेस्ट भी हरा दिया। भारतीय सुरमाओं को सीरीज में 3-0 से शिकस्त। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। टीम में 4 फास्ट बॉलर्स शामिल। पाकिस्तान हांगकांग सुपर सिक्सेस के फाइनल में पहुंच गया। ग्रीन शर्ट्स ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारत से आने वाली हवा से लाहौर में आलूदगी का इंडेक्स 1000 से बढ़ गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। इस्लामाबाद में फिजाई आलूदगी से निमटने के लिए जिला इंतजामिया ने दफा 144 के तहत पाबंदियां आयद कर दी। गाड़ियों, फैक्ट्रियों, भट्टों से जहरीली गैसों के अखराज, कचरा और फसलें जलाने पर पाबंदी। पंजाब पुलिस ने बानी पीटीआई के वकील इंतजार पंजोता को मुकाबले के बाद बाजियाब करा लिया। 2 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा किया गया। बहुत मारा पीटा, इंतजार पंचोता की गुफ्तगु। शहबाज शरीफ की मेहनत से पाकिस्तान ट्रैक पर वापस आ रहा है। हुकूमत की कोशिशों की वजह से महंगाई में कमी आ गई। नवाज शरीफ की लंदन में सहाफियों से गुफ्तगु। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के काम की भी तारीफ। पंजाब हुकूमत का भी कौमी एयरलाइन की खरीदारी पर गौर। मरियम नवाज ने एयर पंजाब नाम भी तजवीज कर लिया। नवाज शरीफ की न्यूयॉर्क में ताजिरों से गुफ्तगु। तारीख गवाह है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो समेत हर रहनुमा डील के बाद बाहर गए। बानी पीटीआई रिहाई के बाद पाकिस्तान में ही रहेंगे। मुशीर इत्तला'आत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा। वजीर आला पंजाब का लाहौर में जेर तकमील PIC2 का दौरा। मुख्तलिफ शोबों में तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। कंडकोट में इंडस हाईवे पर डाकुओं की गाड़ियों पर फायरिंग। शहरी को अगवा कर लिया। मुसाफिरों का एहतजाज, हाईवे पर गाड़ियों की तवील कतारें। एबटाबाद के सियाहती मकाम गिलियात के जंगल में गुज़िश्ता रात लगने वाली आग बुझाई नहीं जा सकी। बड़ी तादाद में दरख्त और जंगली हयात राख में तब्दील हो गए। ईरान ने हमला किया तो इसराइल को जवाबी कार्रवाई से नहीं रोक सकेंगे। अमेरिका ने तेहरान को खबरदार कर दिया। रेकी B-52 बम्बार तैयारे मशरिक वस्ता पहुंच गए। इसराइली फौज की गजा में बर्बरियत से मजीद 55 फलस्तीनी शहीद हो गए। हमास से झड़पों में 3 इसराइली फौजी हलाक। और कौन बनेगा व्हाइट हाउस का नया मकीन, 2 दिन बाद फैसला हो जाएगा। ट्रंप और कमला हैरिस के वोटर करने के लिए भरपूर जतन।